नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल लोकेंद्र हिकिरे में। दोस्तों आशा करता हूँ आप सुखी संपन्न और समृद्ध होंगे। उसके साथ खुश रहना बहुत जरूरी है। जो लोग खुश रहते हैं उनके जीवन में कभी भी कोई समस्या ज़्यादा देर दखलंदाजी नहीं कर पाती। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो का विषय एक बहुत ही सुंदर और कारगर विषय है। ये क्रिया उन लोगों के लिए है दोस्तों जिन लोगों की राशि में या जिन लोगों के ऊपर शनि देव की कुदृष्टि चल रही है, जैसे साढ़े साथी या ढैया, या फिर राशि के अनुसार शनि देव का उनके जीवन में कुछ ज़्यादा ही इंटरफियर है और जिसके ऊपर शनि देव की कुदृष्टि होगी दोस्तों, वो राजा से भी रंक बनते उसको देर नहीं लगती, करोड़पति भी रोड़पति हो जाता है। प्राचीन काल में बड़े बड़े राजा महाराजा शनि की कुदृष्टि के कारण वो जंगलों में भटकते हुए हो गए। राजपाट, धन दौलत सब कुछ उनका लुट चुका है। तो दोस्तों ये जो शनि ग्रह है ये इतना आसान नहीं है, इससे आप भाग भी नहीं सकते हैं। इसके लिए आपको छोटे छोटे उपाय जो मैं वीडियो में बताता हूँ उनको करते रहना चाहिए। शनि देव की कुदृष्टि की जगह आपके ऊपर वो खुश हो जाएंगे और उनकी कृपा बरसने लग जाएगी। जिसके ऊपर शनि देव खुश हैं और उनकी कृपा बरस रही है दोस्तों, वो करोड़ों अरबों खरबों में उसका कारोबार होता है। शनि देव जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाए उसके ऊपर सारे देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, मेरी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, उसके साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आसानी से आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, आपको करना क्या है दोस्तों, 7 अगस्त शनिवार 2021 अमावस्या शुरू हो रही है शाम को 7:13 से। तो ये उपाय या ये क्रिया आपको शाम को 7:13 के बाद करनी है, क्योंकि शनिवार और अमावस्या दोनों अगर मिल जाए तो दोस्तों उसका कहना ही क्या। शनि देव इस दिन या इस समय अगर आप उनका कोई छोटी मोटी भी पूजा कर लेते हैं दोस्तों, आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके जो भी रुके हुए काम है, आपके जो भी बिगड़े हुए काम है, आपके पास जो भी कमी है, वो सब कुछ पूरा हो जाए, क्योंकि इस दिन का ये उपाय आपको बहुत ही पावरफुल सिद्ध होगा। आपको ये जो मैंने समय बताया है 7:13 के बाद कोई भी एक पीपल का वृक्ष देख लेना है। पीपल के मैंने पिछली कई वीडियो में बहुत सारे उपाय बताए हैं। तो आपको शनिवार के दिन 7:13 के बाद 14 मिनट या 15 मिनट या 18 मिनट या 20 मिनट पे आपको ये क्रिया करनी है। 7:15 के बाद 8 बजे के बीच में आप कभी भी करें, और लेट भी करेंगे तो चलेगा, पर आपको अमावस्या में करना है, दिन में नहीं। आपको एक मिट्टी का दिया ले लेना है और मिट्टी के दिया में आपको सरसों का तेल लेना है। एक कोई भी सीसी ले लें या कोई भी ऐसा बर्तन ले लें जिसमें आप तेल लेके जाएं, और वो दिया आपको पीपल के नीचे उसकी जड़ के पास जलाना है, और आपको थोड़े से काले उड़द साबुत दाने लेके जाना है। क्या करना है, उड़द के साबुत दाने, काले उड़द,
आपको दिया जलाना है पीपल के नीचे सरसों के तेल का, और उसमें आपको 5 दाने काले उड़द के डाल देने हैं वो दिया के अंदर, और जो आपकी बोतल में तेल बचता है सरसों का तेल, वो तेल आपको पीपल की जड़ में चढ़ा देना है। दिया जलाने के बाद आपको 2 अगरबत्ती लगानी है वहाँ, और वहीं खड़े रह के पीपल के वृक्ष की तरफ आपको अपना मुंह रखना है और भगवान शनि देव से प्रार्थना करनी है। हे शनि देव, मेरे ऊपर कृपा करो, बस, और कुछ नहीं बोलना है। आपकी क्या समस्या है कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, बस मेरे ऊपर कृपा करो। दोस्तों, आप इस दिया को जलाते तो देखिए, दूसरे दिन सुबह से ही आपको पता चलने लग जाएगा कि आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, आपके कौन कौन से बिगड़े हुए काम बनना शुरू हो जाते हैं, कौन कौन से रुके हुए काम होना शुरू हो जाते हैं, और माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर अडिग बरसेगी, क्योंकि अमावस्या माता लक्ष्मी का सबसे प्रिय दिन है, और जब शनि देव आपके ऊपर खुश होंगे तो माता लक्ष्मी को तो वहाँ आना ही है, तो आपके घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी, पैसे की आपको कहीं से कोई कमी नहीं होगी, आपका धन स्थान हमेशा भरा रहेगा। दोस्तों, ये क्रिया देखने में बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसको करके तो देखिए, क्योंकि किसी भी देव को या भगवान को आप क्या दे सकते हो, तो आप उनको सिर्फ श्रद्धा और विश्वास के साथ कोई भी छोटा सा उपाय कर ले, उनकी कृपा आपके ऊपर बरसने लग जाएगी। तो चलिए दोस्तों, ये क्रिया बहुत ही पावरफुल है, करने के लायक है, करते रहिए इसको, करने या समझने में अगर आपको कहीं कोई असुविधा होती है तो पूछें अवश्य। नमस्कार दोस्तों।